हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल ओम साईराम सौम्या एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो अभी मैं बना रही स्कूल ले जाने के लिए अंकित को लंच। मैं तैयार कर रही तो भुजिया और पराठा बनाऊंगी मैं तो जल्दी जल्दी बना रही हूँ। चारों तरफ पूरा मेस फैला हुआ है कि सुबह का समय, तो सभी गए अपने अपने काम पे, ड्यूटी स्कूल, और मैंने पूजा पाठ कर लिया है। अब मैं चाय चढ़ाऊंगी और मैं बना रही हूँ अदरक वाली चाय। तो पूजा करते समय मैं दूध चढ़ा देती हूँ ताकि गर्म हो जाए, तो मैं फटाफट चाय बना लूँ। तो मैं बना रही हूँ चाय, और चीनी ख़त्म हो गई थी, वापस मुझे चीनी डब्बे में डालना पड़ा, तो मैं चीनी डाल रही हूँ। दो जगह करके हम लोग चीनी वगैरह कुछ भी रखते हैं, एक छोटे डब्बे में एक बड़े डब्बे में, तो मैं चीनी को डाल रही हूँ उसमें छोटे वाले डब्बे में। तो चलिए बना लेते हैं चाय, और फिर उसके बाद बनाना मुझे छोला पनीर। तो चाय होने देते हैं, चाय बन जाएगा तो मैं काबुली चना को चुनूंगी बिनूंगी। तो होने देते हैं इसे। सुबह सुबह चाय, अदरक की चाय वाली खुशबू जो फैलती है घर में, बहुत अच्छा लगता है। सिर्फ मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि अभी सिर्फ मैं ही हूँ, तो एक कप चाय बना रही हूँ। और मैं चाय को बहुत ज़्यादा खौलाती हूँ, वो अच्छा कलर हो जाए तो अच्छा लगता है ना, चाय पीने में भी देखने में भी। तो चाय बनने देते हैं। ये अदरक वाली चाय, अदरक को मैंने कस के डाल दिया है घिस के। और मुझे बनाने हैं छोले या छोला पनीर बनाऊंगी मैं। तो छोला को फुला दिया रात में ही, रात में ही सोख कर दिया, ऐसे मैं अब चुनूंगी। हालांकि कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं एकदम क्लियर है, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भी गंदा नहीं है। फिर भी एक बार देख लेने का बनता है ना, तो एक बार देख लूँगी उसके बाद मैं इसे चढ़ाऊँगी। तो जब तक चाय हो रही है मेरी, तब तक मैं इसे देख लें। और ये बहुत साफ़ सुथरी है, इसमें कुछ भी नहीं निकला, तो इसे मैं कुकर में उबालने के लिए डाल देती हूँ। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम लोग, उतना ही जितना इसमें सिज जाए। और ग्रेवी नहीं चाहिए तो, और कम मुझे ग्रेवी चाहिए तो मैं इतना और पानी ली हुई हूँ। तो चलिए और भी सब मिला देते हैं इसमें। तो ये देखिए छोला मैंने डाल दिया, उसमें पानी, ये आलू भी डाला हुआ है क्योंकि आलू का ज़रूरत है, आज मुझे सैटरडे खिचड़ी बनेगी। और ये गरम मसाले हैं, तो एक छिलका भी आ गया है तो इसी में डाल देती हूँ। दो दो इलायची है, और बड़ी इलायची है, जीरा है, थोड़ा थोड़ा सब है, काली मिर्च है, और अजवाइन है, हींग है, तो सबको डाल देती हूँ मैं इसमें। डाल देते हैं नमक, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, और ये कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, थोड़ा सा कसूरी मेथी, अदरक कसा हुआ, और बहुत थोड़ा सा प्याज, इससे अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा है, ये एक चौथाई है प्याज का। और ले लेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल, और डाल देते हैं थोड़ा सा इसमें चीनी। इसे चढ़ा देते हैं। इसे चढ़ा दिया गैस पे, और इस पे एक सीटी तेज की और तीन सीटी धीमे की लगाऊंगी मैं। तो इसे होने देते हैं। मैं अपना तो ये मेरा चाय, चलिए मैं अपना चाय एंजॉय करती हूँ। Thank you.
तो ये हमारा छोला पनीर तैयार हो गया। बहुत टेस्टी लगता है ये सब चीज़ के साथ, चाहे रोटी खाइए या चावल साथ खाइए या जीरा राइस के साथ खाइए, किसी साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है ये। एक बार ज़रूर बनाइएगा। पनीर मटर पनीर तो बनाते हैं, छोला पनीर भी बना के देखिए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए इसे ढक लेते हैं और अब हम लोग करते हैं खिचड़ी की तैयारी, क्योंकि आज सैटरडे है और मेरे यहाँ खिचड़ी ज़रूर बनता है। तो बस सिंपल सा खिचड़ी, दाल चावल और नमक हल्दी डालूंगी मैं उसमें, और थोड़ा सा तेल। दाल को पहले ही फुला कर रखा था क्योंकि ये अरवा चावल है तो बहुत जल्दी गल जाता है, तो चढ़ा दिया मैंने। एक सीटी भी पूरी तरह से नहीं लगनी होगी इसमें, तो खिचड़ी तैयार हो जाएगी हमारी। तो खिचड़ी रेडी है और मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ प्याज, हरी मिर्च, जीरा को और हींग घी में। ये सब्ज़ी हमारी रेडी है एकदम पूरी तरह से। आप इससे ज़्यादा भी ग्रेवी रख सकते हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने ऐसे ही रखा है। तो ये है मेरा सैटरडे का लंच, खिचड़ी सब्जी और घी। और भुजिया चोखा नहीं खाते हैं लोग, तो मैंने चोखा नहीं बनाया। पापड़ है जो दिख नहीं रहा है, अचार मैं ऊपर से देती हूँ फिर अलग से। तो ये रहा हमारा सैटरडे का लंच और बहुत टेस्टी, सब सिंपल बनाओ खिचड़ी तो टेस्टी लगती है। सारे लोग इंजॉय कर रहे हैं अपना खिचड़ी, मैं भी अभी खाऊंगी। तो खाना पीना हो गया है हमारा और बर्तन धो के रख दे रही हूँ मैं साथ के साथ। तो चलिए बर्तन को धुलते हैं बढ़िया से साफ से, और क्योंकि और शाम हो जाती है तो मैं फिर बर्तन धुलने का मन नहीं करता कि वो और भी काम हो जाता है फिर। तो चलिए बर्तनों को पहले धुल देती हूँ मैं फटाफट से, और उसके बाद मैं सिंक को साफ़ कर दूँगी क्योंकि जूठा सब गिरा रहता है तो गंदा लगता है, तो सिंक वगैरह भी साथ में साफ़ कर दूँगी। तो सिंक वगैरह मैंने खूब अच्छे से साफ़ कर दिया, हाथ को हैंड वॉश से मैं साफ़ कर लूँगी क्योंकि सिंक साफ़ किया तो गंदगी तो रहती है ना, तो हाथ को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। हाथ मुँह मैं साफ़ करके थोड़ा सा अब आराम करूँगी, उसके बाद शाम में झाड़ू वगैरह सब करूँगी। तो मिलते हुए एक ही बार शाम में, रात में क्योंकि आज थोड़ा घूमने भी निकलना है इसीलिए। तो बाय। तो रात हो गई है और हम लोग थोड़ा निकल रहे हैं बाहर और लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। सभी हम लोग हैं तैयार, तो वीडियो का यही एंड करती हूँ। रखिए अपना पूरा ख्याल, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ओम साई राम सोम। बाय।